हाई एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने कॉलेज के अंदर एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हैं एंड इवन आप 9+ लेकर आ सकते हैं। अब जब भी हम स्कूल से नए नए कॉलेज में जा रहे होते हैं या कॉलेज के शुरुआती कुछ ईयर्स में होते हैं तो हमारे अंदर फुल जोश होता है कि इस सेमेस्टर तो हम फोड़ देंगे। तो यही फोड़ने के लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करेंगे जिनसे कॉलेज में एक अच्छी जीपीए लाने में हमारी हेल्प हो रही होगी। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज जीपीए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप किसी और ब्रांच में और करना आपको कुछ और है, जैसे आप मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है और करनी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आपकी ब्रांच के जो मार्क्स हैं वो प्लेसमेंट्स में मैटर नहीं करेंगे। या फिर काफी सारे सीनियर्स आपको बता देते हैं कि आप 7+ ले आइए, आप 7.5+ ले आइए, इतनी परसेंटेज या जीपीए आप ले आइए और उसके बाद आप प्लेसमेंट्स में आराम से बैठ पाएंगे। अब इस सिचुएशन में कैच ये होता है कि इस परसेंटेज को लाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, प्लेसमेंट के टाइम पर अगर 100 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट राउंड में और कंपनी को सिर्फ 20 चाहिए सेकंड राउंड के लिए, तो वो कट लगा देंगे वहां पर जीपीए का। तो जिसकी 8 या 8+ या फिर 9+ होगी, सिर्फ वही स्टूडेंट सेकंड राउंड के लिए बैठ रहे होंगे। अब ये सारी कंपनीज नहीं करती पर बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो पहला जो यूज है जीपीए का वो आता है प्लेसमेंट्स में। दूसरी चीज, अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट एग्जाम में आपको कॉलेज का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कैट के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कॉलेज के मार्क्स का एक अच्छा खासा स्कोर होता है। आपके 10th के मार्क्स भी जुड़ते हैं, 12वीं के भी जुड़ते हैं, साथ के साथ कॉलेज के मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छी जीपीए लानी है अगर आपको एमबीए जैसा कोर्स करना है तो। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं कहीं पर, वहां पर भी जीपीए का इंपॉर्टेंस है। अगर आप रिसर्च इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है आपकी कॉलेज जीपीए की, क्योंकि अच्छी जीपीए सिंसेरिटी दिखाती है किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी आगे वाले इंस्टीट्यूशन को या फिर कॉलेज प्रोफेसर को। तो इसीलिए आपको कॉलेज के अंदर एक अच्छी जीपीए मेंटेन करने में हमेशा फायदा ही होने वाला है। अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉलेज जीपीए, अच्छी जीपीए अटेन करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हमने स्कूल में क्या किया था, हम स्कूल जाते थे, उसके बाद कोचिंग जाते थे, उसके बाद ट्यूशन जाते थे, फिर सेल्फ स्टडी करते थे। तो कॉलेज के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि इतना सारा हार्डवर्क हमें अच्छी जीपीए के लिए करना नहीं है, हमें इतनी सारी सेल्फ स्टडी, इतने सारे एक्स्ट्रा ट्यूशन, कोचिंग, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट होकर अच्छी खासी जीपीए अपने आप ला सकते हैं। अब मेरे 8 सेमेस्टर्स में से 4 सेमेस्टर में 9+ जीपीए आई थी और ये ऑफलाइन एग्जाम्स में भी हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम्स में भी हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपने क्लासमेट से ज्यादा हार्डवर्क पुट इन किया या ज्यादा मैंने टाइम लगाया, फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का है। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो शायद आप अपनी कॉलेज लाइफ में अपनाएंगे, जो मैंने और मेरे बैचमेट्स ने यूज की है और अच्छा स्कोर किया है, तो शायद आपकी कॉलेज जर्नी में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही होगी। इन्हीं कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। इनमें से सबसे पहली टिप जो है वो है अपने सीनियर्स से बात करना। कॉलेज सीनियर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कॉलेज लाइफ के अंदर। वो आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बता देंगे जो शायद आपको कोई और ना बता पाए, जो आपके कॉलेज स्पेसिफिक होंगी, आपकी ब्रांच स्पेसिफिक होंगी, आपकी करियर स्पेसिफिक होंगी। अब इसमें सबसे पहले जब भी आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, अगर नए नए जा रहे हैं या फिर कॉलेज के अंदर हैं, तो सबसे पहले तो अपने कुछ कुछ कॉलेज सीनियर्स को कॉन्टैक्ट करें। ये आपके कॉलेज के कॉमन फेसबुक ग्रुप्स में हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सकते हैं, या फिर आपकी सोसाइटीज एंड डिफरेंट क्लब्स में हो सकते हैं। तो वहां पर जाकर उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे आप पूछें कि कौन से सब्जेक्ट्स ईजी हैं। अगर आपके कॉलेज में इलेक्टिव बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, तो उनसे पूछें कि कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। सेकेंडली उनसे पूछें कि आपके टीचर्स कैसे हैं और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे उस पर फोकस करें, या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उन पर ज्यादा फोकस करें। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बने ही स्टूडेंट्स को फेल करने के लिए होते हैं, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देते, तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको आपके कॉलेज सीनियर्स दे देंगे। वो बता देंगे कि ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 7 से 7.5 से 8 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं है तब हार मान लेनी है, पर ये करना है कि आप फिर कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना एफर्ट पुट इन करने से आपका कितना आउटपुट निकल रहा होगा।
अब इसमें सेकंड चीज जो हमें करनी है वो लेने हैं नोट्स। अगर हम एक 9+ जीपीए टारगेट कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लासेस हम अटेंड कर रहे हो खुद से और नोट्स अपने खुद से बना रहे हो। लेकिन अगर हम 8+ या 8.5+ या 7+ टारगेट कर रहे हैं तो उन केसेस में हम किसी और अपने बैचमेट के क्लासमेट के जो ठीक ठाक नोट्स बनाते हैं उनके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उससे हम पढ़ सकते हैं। नोट्स से पढ़ना बुक से पढ़ने के कंपैरिजन में एक तो आपका टाइम सेव करेगा, ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे जो टीचर को क्लास में इंपॉर्टेंट लगे उनको क्लास में इंपॉर्टेंट लगे यानी वो एग्जाम में भी उनको इंपॉर्टेंट लगेंगे, आप मोस्टली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करोगे। तो पहले तो अगर आप शुरुआत से अगर एग्जाम टाइम में ही पढ़ने बैठे हैं तो नोट स्कैन कर लें, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर वो नोट से समझ नहीं आ रहे तब जाकर उनको बुक से जाकर अच्छे से पढ़ें एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अब थर्ड टिप है वो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको कॉलेज के अंदर सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली नहीं करनी पड़ती, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज की क्लास में जाएंगे और घर आकर वापस 2 घंटे रिविजन करेंगे। कॉलेज के अंदर मोस्टली जो आपको पढ़ाई करनी होती है वो एग्जाम टाइम पे करनी होती है और एग्जाम टाइम पे जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली उसने पूरे सेमेस्टर चाहे कुछ ना किया हो वो अच्छा स्कोर कर जाएगा। अब एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दो अगर हॉस्टल में रहते हैं तो एक दो ग्रुप बना लेना चाहिए, ऑल नाइटर्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर आपने पूरे सेमेस्टर तैयारी नहीं की है तो, क्योंकि ऑल नाइटर्स में आप पूरी रात में एक रात बैठकर सिलेबस कवर कर देते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड करें कि बेस्ट टाइम क्या है आपके पढ़ने का। अगर आपको सुबह ज्यादा पढ़ने में आसानी होती है तो सुबह पढ़ने बैठे, रात में ज्यादा पढ़ने में आसानी होती है तो रात में पढ़ने बैठे। दूसरी चीज जो हमें सोचनी है वो है अपने लिए गोल सेट करना कि हम इतनी देर बैठकर पढ़ रहे होंगे या फिर हम इतना सिलेबस इतने टाइम में कवर कर रहे होंगे। अगर हम ऐसे गोल सेट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर होगा। तो एग्जाम में यूजुअली स्कोर कम तब आता है जब टेंशन ज्यादा होती है, तो एक बार हमने गोल सेट कर लिया तो हमारी टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो वो हमें एडेड फायदा होगा। साथ के साथ आप नैप्स लेने की आदत डाल लें क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हैं ज्यादातर तो वहां पर नैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। आपको 4-5 घंटे लगातार पढ़ना पड़ सकता है एग्जाम टाइम में और आप फिर आधे घंटे का या फिर 40 मिनट्स का नैप ले लेते हैं तो उसके बाद उठते हैं तो फ्रेश फील होता है और तब आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे कॉलेज में जो एग्जाम्स होते थे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो बिना किसी गैप के पूरा हफ्ता चलते थे, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैंने एग्जाम दिया तो वापस आकर सबसे पहले तो नैप ले लिया 30 मिनट का 40 मिनट का, तो सब कुछ भूल गए, मतलब मेमोरी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद उठकर आप पढ़ना शुरू करें, सारा सिलेबस कवर कर लें, फिर सो जाएं थोड़ा सा, फिर सुबह उठकर एक पूरे सिलेबस का थोड़ा रिविजन मार लें या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें, फिर आप एग्जाम देने जाएं ताकि सुबह सुबह के जो पढ़े हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में ताजा ताजा है, वो एग्जाम में आपने कर दिए हैं। साथ के साथ एक और स्ट्रैटेजी जो काफी ज्यादा लोगों के लिए काम करती है वो ये होती है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो खुद को उस टॉपिक को समझाएं, या तो बोल बोल कर आप रीडिंग करें, रीडिंग करके अपने दिमाग में जो है उन वर्ड्स को फीड करें, या फिर खुद को ही जब उसका एक्सप्लेनेशन देंगे एक तो चीज अच्छे से समझ में आएगी, साथ के साथ आपको चीजें याद ज्यादा रहेंगी, आप पता कर पाएंगे कि एग्जाम में उस चीज को आपको किस तरीके से समझाना है। अब ये सारी वो टिप्स हैं जो आप ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम्स हो रही हैं जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशंस हो रही हैं तो उसमें आप पहले से इंश्योर करें कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं नोट्स बुक्स वो आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड हों और खुले हों। तो वो एक चीज़ है जो आपकी जो एंग्जाइटी होती है लास्ट मिनट एंग्जाइटी एग्जाम शुरू होने से पहले उसको काफ़ी हद तक कम कर रही होगी। तो ये काफ़ी ऐसे ट्रिक्स हैं जो मेरे बैचमेट्स ने और मैंने यूज़ किए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, उस स्कोर ने हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स की काफी हेल्प की है एंड आई होप कि आप भी जब इन चीजों को यूज कर रहे होंगे तो ये आपको भी बेनिफिट कर रही होंगी। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ऑल नाइटर्स कैसे निकालने हैं, क्या क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी रखे उसके बारे में टिप्स चाहिए, या फिर कॉलेज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।